बात करते हैं दिल्ली की। गोकलपुरी दिल्ली मेट्रो का हिस्सा गिरने हुई अफरा तफरी। उत्तर पूर्वी दिल्ली गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया है, जिसकी वजह से 3-4 लोग घायल हो गए हैं। इसी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। नॉर्थ ईस्ट DCP पहुंचे हैं और मेट्रो स्टेशन के बराबर में थाना गोकलपुरी है। जब मेट्रो स्टेशन का हिस्सा गिरा तब थाने में तैनात SHO व पुलिस कर्मियों मौके पर पहुंचकर लोगों को निकालने की कार्यवाही शुरू की। रेस्क्यू टीम को भी सूचना दी गई है। नॉर्थ ईस्ट DCP का कहना है कि मेट्रो स्टेशन का ईस्ट बाउंड्री हिस्सा गिर गया है। 40 से 50 मीटर का हिस्सा गिर गया है, उसकी हम छानबीन करेंगे और 3-4 लोग दब गए हैं, उसमें से ही एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों की खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। खबर सुनते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। देखिए, इस समय हम लोग गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के बगल में खड़े हैं। आज सवेरे लगभग 11 बजे के आसपास का इंसिडेंट है ये। जो ईस्टर्न साइड है, जो मेट्रो स्टेशन का जो बाउंड्री होता है, जो कंक्रीट बाउंड्री होता है ईस्टर्न साइड का, वो कैसे गिर गया अभी उसके हम लोग छानबीन करेंगे, पर वो नीचे गिर गया सड़क पे। एक बड़ा पोर्शन, ऑलमोस्ट 40-50 मीटर्स का हिस्सा, और नीचे कुछ पब्लिक के लोग थे, उनको चोट लगी है। 4 लोगों को माइनर इंजरीज है, जिनमें एक का पैर टूटा है और एक की इंजरी थोड़ी ज़्यादा है उसके सिर और पैर में, उसको बल्कि एक्सट्रैक्ट किया गया। मेट्रो का स्टाफ और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल बगल में ही है, तो जल्दी से पहुँच के उनको एक्सट्रैक्ट किया, नीचे डेबरी से निकाला और उनको GTP हॉस्पिटल ले गए। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। उन्हीं की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है बिकॉज अनकॉन्शियस है वो। बाकी तो 4 लोगों की हमने एंट्री हो गई, उनको माइनर, एक के पैर में फ्रैक्चर है, बाकी के माइनर इंजरीज हैं, तो थोड़ा बचाव हो गया। तो अभी JCB वगैरह काम कर रही है पीछे, और कुछ जो पोर्शन इसका लटक रहा है अभी भी, उसको भी मुझे लगता है इनको गिरा देना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा वो कभी भी किसी समय गिर सकता है, अनस्टेबल है। घायलों को कितनी देर में निकाल लिया गया था? थाना बिल्कुल ही बगल में है, तो जैसे ही आवाज़ आई धड़ाम से, तो फिर वो दौड़ के हमारे स्टाफ पहुँचे, ACP SHO सारे ही पहुँचे स्टाफ के साथ में, और फटाफट उनको GTP हॉस्पिटल। डेफिनेटली जी, हमें केस रजिस्टर करेंगे अप्रोप्रिएट सेक्शंस में, और जो SHO नन्नगरी है वो वहाँ GTP हॉस्पिटल में उनकी देख रेख में इन लोग की इलाज चल रहा है, और हम लोग सारे ही।